subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एटेन्यूएटर्स. सो एटेन्यूएटर्स बेसिकली दो प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स एंड असिमेट्रिकल एटेन्यूएटर्स. सोर्स और लोड के बीच में हम एक एटेन्यूएटर सर्किट इंसर्ट कर देते हैं. इसमें कंडीशन क्या होगी सिमेट्रिकल में, कि हम सिमेट्रिकल नेटवर्क में कहीं से भी देखेंगे, इट मींस इनपुट या आउटपुट साइड कहीं से भी देखेंगे तो हमें सेम नेटवर्क नजर आएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क. मतलब अगर हमारे पास एक नेटवर्क हो लाइक दैट, यहां पर आप लोग देख सकते हो दिस इज द नेटवर्क, दिस इज द इनपुट पोर्ट एंड दिस इज द आउटपुट पोर्ट. यहां पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये R1 है, ये भी R1 होगा और ये R2 है. तो हम चाहे आउटपुट साइड से सीन करें या इनपुट साइड से सीन करें, हमें दोनों तरफ से सेम नेटवर्क नजर आएगा. इट मींस दिस नेटवर्क बिहेव एज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क. ध्यान ये देना है कि कहीं कहीं R1 की जगह Z1, Z2 का प्रयोग किया गया होगा, बट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, R भी ले सकते हैं यहां पर. सो, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है इसको. सो दिस इज द सिमेट्रिकल नेटवर्क. अगर हम असिमेट्रिकल नेटवर्क की बात कर लें, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी एक नेटवर्क होगा इस तरीके से. ये हमारा इनपुट पोर्ट हो जाएगा. सो यहां पे R1 होगा, यहां पे R2 होगा और यहां पर R3 होगा, इनपुट साइड या आउटपुट साइड. यहां पर आप लोग देख सकते हो अगर हम आउटपुट साइड से सीन करेंगे तो हमें डिफरेंस सर्किट नजर आएगा, इट मींस R2 R3 नजर आएगा और यहां से R1 R3. तो दिस इज नोन एज असिमेट्रिकल नेटवर्क्स. तो सिमेट्रिकल में आप लोग देख सकते हैं दोनों तरफ से सेम नजर आएगा, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे इधर भी R0 दिखेगा तो यहां से भी R0 दिखेगा. बट इन केस ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क, अगर आपको इधर से IRI दिखेगा, हम लोग एज्यूम करते हैं, तो आपको आउटपुट साइड से R0 दिखेगा. इट मींस दोनों तरफ से सेम इक्विवेलेंट आपको नजर नहीं आएगा, जबकि सिमेट्रिकल में दोनों तरफ से सेम इक्विवेलेंट नजर आएगा. सो अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सिमेट्रिकल एटेन्यूएटर. सो अब बात करते हैं सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स. तो यू कैन सी दिस इज ए सिमेट्रिकल नेटवर्क. यू कैन सी आर वन आर टू एंड आर यूज किए गए हैं, जहां पर R1 और R2 सेम है. अब अगर ये एटेन्यूएटर की तरह इसका सर्किट डिजाइन करना है तो इसमें कुछ लोड लगा होगा. इट मींस यहां पर हम एक लोड लगा दें जिसकी वैल्यू हम लोड लेते हैं R0. तो एक यहां पे एक लोड लग गया. इसके बाद इसमें कुछ हम इनपुट सप्लाई दे रहे होंगे, तो यहां पर एक हम सप्लाई एज्यूम कर लेते हैं, कुछ एक सप्लाई लगा देते हैं ऐसी सोर्स. ठीक है, और जो भी यहां सोर्स लगा रहे होंगे उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो वो रेजिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं और नॉट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो हम देख रहे थे कि दोनों तरफ सेम होगा. अब अगर इसको सॉल्व करें तो हाउ वी कैन सॉल्व. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही होगी. अगर ये सोर्स है तो इसमें यहां पर कुछ करंट फ्लो कर रही होगी, आई एस इनपुट साइड है, ऐसे ही यहां पर करंट फ्लो कर रही होगी, ये आउटपुट साइड है, तो कितनी फ्लो कर रही होगी, आई आर. इट मीन्स इसमें आई एस करंट इनपुट फ्लो कर रही होगी, आई आर करंट बाहर फ्लो कर रही होगी. सो हमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट करंट आई एस एंड आउटपुट करंट आई आर. सो हाउ यू कैन फाइंड आउट. सो हम बड़े इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं इसको. अगर हम देखते हैं यहां पर कि ये करंट आई आर जा रही है और एक करंट डिवाइडर रूल लगा देते हैं, इट मीन्स हम इस ब्रांच में करंट फाइंड आउट कर रहे हैं. सो हम ये देखते हैं कि इसके सामने वाली ब्रांच में क्या लगा हुआ है, और फिर ये देखते हैं कि इस लूप में करंट एंटर कितनी कर रही है, तो कितनी एंटर कर रही है इस पे, आई एस. हमें फाइंड आउट क्या करना है, आई आर. तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल, आई आर इज इक्वल टू क्या होगा, जो करंट इसमें एंटर करती है वो आई एस इंटू इसमें मल्टीप्लाई क्या करते हैं, हम किस ब्रांच में करंट निकाल रहे हैं, इस ब्रांच में.
और इस ब्रांच के सामने वाली ब्रांच कौन सी है, ये वाली ब्रांच, यानी कहां पे है, आर टू है। तो अकॉर्डिंग टू करंट डिवाइडर रूल जब हम आई आर निकाल रहे होते हैं तो जो इस पे करंट एंटर करती है वो करंट इनटू इस ब्रांच के सामने वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो सामने रेजिस्टेंस कितना है, आर टू, ठीक है, अपॉन इस टोटल का सम लिखते हैं उस पे, तो टोटल कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट। तो ये हम डायरेक्टली आई आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल। अब हम क्या करें, आई आर को इधर ले जाएं, तो अगर इधर ले जाते तो होता क्या, आई एस अपॉन आई आर, ये यहां पे क्या आ जाता, आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, आर टू। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई करंट की, इट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट करंट आई एस एंड आउटपुट करंट आई आर। और हम सभी लोग जानते हैं कि एटेन्युएशन इज नथिंग, इट इज द रेशियो ऑफ इनपुट करंट टू द आउटपुट करंट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे एन के इक्वल हो जाएगा। यहां से एन आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट अपॉन आर टू, ये हमारा एन आ गया, यानी एटेन्युएशन आ गया। इसको क्या बोलेंगे, एटेन्युएशन, ठीक है। तो ये निकल आया। अब इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें अगर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंपल आर टू से अगर इसको डिवाइड कर दें पूरे में, तो एन इक्वल टू यहां पे हो जाएगा आर वन प्लस आर नॉट अपॉन आर टू लिख दें इसको, और आर टू प्लस हो जाएगा, जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, वन, यानी आर वन प्लस आर नॉट के नीचे आर टू हो गया, आर टू अपन आर टू वन हो जाएगा। इसको वन को इधर ले आएंगे तो यहां से जाएगा एन माइनस वन इजक्वल टू आर वन प्लस आर नॉट अपॉन आर टू। सो हमारे पास ये फाइनली एक रिजल्ट आ गया, इसका हम यूज करेंगे अपने डेरिवेशन में जब भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। दिस इज इक्वेशन, और इसका हम आगे अपनी इक्वेशंस में जहां पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास n माइनस वन आ चुका है। अब हम फाइंड आउट करेंगे r नॉट की वैल्यू इस साइड से। सो अगर हमें इन दो टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट चाहिए तो हम इसको ओपन एज्यूम कर लेंगे, और अगर इसको ओपन एज्यूम कर लेंगे तो इसका सर्किट यहां से ओपन हो जाएगा, तो हमें इतना दिखेगा और हमें इधर से इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हो इस साइड से आर नॉट आर वन सीरीज में कनेक्टेड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आर टू के साथ पैरेलल में हो जाएगा, और इन तीनों का कंबाइंड जो भी आएगा वो आर वन के सीरीज में हो जाएगा। और इधर से हम देख रहे हैं तो हम आर नॉट निकालने जा रहे हैं, तो यहां से कैसे होगा देखते हैं। सो अगर यहीं पे हम देखें इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लें, तो आर नॉट इधर से निकाल रहे हैं तो ये आर नॉट हो गया इक्विवेलेंट, यहां से ये दोनों सीरीज में हैं, इसके साथ पैरेलल में फिर इसके सीरीज में, तो हम इधर इस लिखते हैं आर वन हो जाएगा प्लस आर टू, और इसके कॉम्बिनेशन में पैरेलल में है तो आर टू पैरेलल विथ आर वन प्लस आर नॉट ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आर नॉट इजक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स इसको एज्यूम कर रहे हैं वाई इस पूरे को, तो एक्स वाई ये हो जाएगा आर टू आर वन प्लस आर नॉट अपॉन एक्स प्लस वाई, मतलब इन दोनों का सम हो जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये। सो इक्वेशन आ गई, इसको और सॉल्व करते हैं तो आर नॉट इज इक्वल टू आर वन प्लस, इस आर टू को अगर हम यहां ले जाएं, इट मीन्स अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन अपॉन एक्स, ये लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन वन अपॉन एक्स, यानी आर टू को हम कहां ले जाएंगे, अगर इसको नीचे ले जाएं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर वन प्लस आर नॉट, ये हो गया,
आर टू को हम ले गए हैं डिनोमिनेटर में, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट, और ये इसके नीचे आ जाएगा, यहां पे वैल्यू हो जाएगी आर टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्स को अगर लिखें तो वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, तो इस आर टू को अगर यहां ले जाएं तो कहां आ जाएगा, ये आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट के डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको और देखते हैं, तो ये हो जाएगा आर नॉट इक्वल टू आर वन प्लस, अब यहां से देख सकते हैं कि इसको लिखते हैं आर वन प्लस आर नॉट, तो ये ऊपर आ गया, और ये जो वैल्यू आई है आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट अपॉन आर टू, ये क्या है, ये आपका एन है, यहां से आप देख सकते हो ये आपका क्या है, एन है, तो इसको क्या डायरेक्टली पुट कर दो, एन पुट कर सकते हैं यहां पे। सो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, और यहां पे सबको पता है एन की वैल्यू यहां पर दी हुई है आर वन प्लस आर टू प्लस आर नॉट। ठीक है, अब इसका अगर हम सॉल्व करें और तो एलसीएम लेंगे, अगर यहां से एन एलसीएम लेते तो इसमें मल्टीप्लाई होता और वो पूरा होल डिनोमिनेटर यहां पे आ जाता, तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर नॉट सॉरी इक्वल यहां पे होता तो एन आर वन प्लस आर वन प्लस आर नॉट, ये आ जाता। अगर इसको और सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू को कहां पे पुट कर दें, आर नॉट की तरफ इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, तो यहां हो जाएगा एन आर नॉट माइनस आर नॉट इक्वल टू, यहां से आर वन कॉमन हो सकता है तो यहां हो जाएगा आर वन कॉमन एन प्लस वन, यहां से आर नॉट कॉमन है एन माइनस वन इक्वल टू आर वन एन प्लस वन, ये आ गया। अब यहां से हम आर वन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आर वन इक्वल टू यहां आ जाएगा आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई आर वन इज इक्वल टू आर नॉट एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, और इसको एज्यूम कर लेते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर वन। तो यहां तक सॉल्व हो गया, अब क्या करेंगे, अब इस R1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन पर पुट कर देंगे, इट मींस वैल्यू ऑफ R1 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन, इट मींस इस वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में। तो यहां जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू, सीधे सीधे r नॉट की वैल्यू वहां पे पुट कर रहे हैं, तो r वन प्लस n माइनस वन अपॉन n प्लस वन यहां पे हो जाएगा इंटू आर नॉट, ये हो गई आपकी r वन की वैल्यू, सॉरी यहां पे r नॉट होगा अपॉन यहां पे हो जाएगा आर टू। सो कुछ नहीं किया, इस आर वन की वैल्यू को हमने कहां पुट कर दिया है, इस वाली इक्वेशन में। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो यहां से आर टू आ जाएगा हमारे पास आर नॉट टू एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये आ जाएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर टू की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया आर टू, और यहां से क्या आ रहा है हमारे पास आर वन। सो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं यहां पर, आप लोग देख सकते हैं। सो ये वैल्यू आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर, मैं दोबारा से लिख देता हूं कि R2 इज इक्वल टू आर नॉट टू एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी R2 की। अब अगर ये हमारे पास वैल्यू आ गई है R1 और R2 की, तो हम इसको पुट कर देंगे इस वाले सर्किट में, दोनों वैल्यू को इस वाले सर्किट में पुट करना है, तो हम देखते हैं कैसे पुट करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, उस सर्किट को अगर पुट करेंगे तो सिंपल हमारे पास
ये वाला सर्किट था, इसी में हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तुम ले ली ये वाली, जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आई है, तो हमारे पास कैलकुलेशन ये आई है, R1 की वैल्यू R0 n-1 अपॉन n+1 है। सो हम यहाँ पे पुट कर देंगे R1 इज इक्वल टू आया है R0 n-1 अपॉन n+1, ये इसकी वैल्यू हो गई। सिमिलरली यहां पर भी R1 था, तो इसकी भी वैल्यू सेम हो जाएगी n-1 अपॉन n+1, ये हो गया। ये होगा R2, तो R2 की वैल्यू यहां पे क्या आई है, R0 2n अपॉन n²-1, ये हो गई आपकी R2। इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन डिजाइन सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर्स। सिंपली हमें एक सिमेट्रिकल नेटवर्क लेना है लाइक दैट। फिर इसको क्या करना है, लेने के बाद हम इसमें इक्वेलेंट IR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल। सो जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लोगेशन IS अपॉन IR, तो n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इस नेटवर्क से हमें इक्वेलेंट फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इनपुट साइड से अगर इक्वेलेंट फाइंड आउट करें तो ये ब्रांच को ओपन एज्यूम करेंगे, और इक्वेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमें इतना दिखेगा, ये दोनों सीरीज में है, दोनों कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, और इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में, वही हमने सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद यहां से R0 की वैल्यू फाइंड आउट होगी, इसको और सॉल्व करेंगे तो यहीं से R1 फाइंड आउट हो जाएगा। फिर इस R1 को अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे तो हमारे पास R2 आ जाएगा। जब R2 और R1 हमारे पास आ जाएंगे तो हम अपने इस सिमेट्रिकल नेटवर्क में पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो सर्किट आएगा वो ये सर्किट हमें मिल जाएगा। सो दिस इज योर सिमेट्रिकल टी टाइप एटेन्यूएटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an